आज हम लोग बात करेंगे कि क्लाउडफ्लेयर CDN आपको किन सिनेरियोज में नहीं यूज़ करना चाहिए और वो कौन सी गलती है जो कि बहुत सारे बिगनर्स यहाँ पर करते हैं क्लाउडफ्लेयर CDN का यूज़ करते टाइम पर। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मैंने बहुत सारे लोगों को गलतियाँ करते हुए देखा है। दिस इज़ अ मिस्टेक दैट मैनी मैनी बिगनर्स डू। आई हैव सीन दिस अ लॉट। उनको पता नहीं होता है, वो अनजाने में ये चीज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्लाउडफ्लेयर क्या है, क्लाउडफ्लेयर CDN क्या है। तो क्लाउडफ्लेयर यहाँ पे बेसिकली एक सर्विस है जो कि आपको प्रोवाइड कराती है फ्री CDN, फ्री DNS, सिक्योरिटी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन फ्री में मेन ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। आप लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो बिगनर्स यहाँ पे करते हैं? बिगनर्स ये गलती करते हैं कि वो यूज़ कर लेते हैं क्लाउडफ्लेयर CDN स्टार्टिंग में ही, मतलब जब उनके विजिटर्स भी नहीं आ रहे होते हैं तभी से वो लोग यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर CDN का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आपके विजिटर्स यहाँ पे मंथली 5,000 है या इनफैक्ट 10,000 भी है तो भी आई वोंट रिकमेंड यूजिंग क्लाउडफ्लेयर CDN स्टार्टिंग वाले फेस में। अब ऐसा क्यों, इसको समझने के लिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्लाउडफ्लेयर CDN यहाँ पे काम कैसे करता है। सो यहाँ पे जो क्लाउडफ्लेयर का CDN है वो काम करता है रिवर्स प्रॉक्सी के बेसिस पे। अब यहाँ पर मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है एग्जैक्टली। तो जैसे यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी में क्या होता है, जैसे काफ़ी सारे डिवाइसेज हैं, यूजुअली क्या होता है वो डायरेक्ट यहाँ पे सर्वर पर जाता है, ये रहा मेरा सर्वर, एंड देन सर्वर से यहाँ पे यूज़र वापस यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यूज़र टू सर्वर यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन होता है। रिवर्स प्रॉक्सी में ये आ जाता है बीच में यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर। तो अब जितने भी रिक्वेस्ट आएगी वो सब पहले आएगी यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर के पास। क्लाउडफ्लेयर यहाँ से वापस सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से यहाँ से वो कॉपी लेगा एंड देन यहाँ पर वापस आएगा एंड देन ये कॉपी यूज़र्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब यहाँ पर इसके बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक्स हो जाता है, लोड बैलेंसिंग वगैरह हो जाती है, कैशे वगैरह क्रिएट करने में ये हेल्प करता है, SSL इनक्रिप्शन वगैरह डाल देता है। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर काम करता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो पहली बार रिक्वेस्ट आएगी ये कैशे पहली बार नहीं बनाता है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर पहली बार यहाँ से जो पूरा डेटा है वो पूरा डेटा सर्वर से ही लेगा। फॉर एग्जांपल ये डिवाइस डी ने यहाँ से रिक्वेस्ट करी तो यहाँ से पहले ई के पास जाएगी, ई देन यहाँ पे पहले पूरा डेटा सर्वर से लेगा, वापस यहाँ पर आएगा, डी को देगा, उसके बाद यहाँ पर एक कैशे क्रिएट करेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये रहती है कि क्लाउडफ्लेयर यहाँ पे कैशे सारी लोकेशंस के लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल ये जो यूज़र था डी, ये इंडिया का था, तो ये जो कैशे क्रिएट करेगा वो सिर्फ इंडिया डेटा सेंटर के ऊपर ही क्रिएट करेगा, वो US के ऊपर यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा। अब यहाँ पे इनके डेटा सेंटर्स खूब सारे हैं, अराउंड 250 प्लस यहाँ पर इनके डेटा सेंटर्स हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरे यहाँ पे विजिटर्स ही कम आ रहे हैं तो क्या होगा एक्चुअल में, वो हर बार मेरे सर्वर पे जाएगा, हर बार एक नया कैशे बनाएगा, और अलग अलग लोकेशन से अगर यूज़र्स आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर पहली बार तो जैसा सेम रहेगा जैसा पहली बार, तो वो कैशे का यहाँ पे यूज़ करेगा ही नहीं, कैशे यहाँ पर एक्टिवेट होगा सेकेंड टाइम से। सो अगर इंडिया से मुझे कोई यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहा है तो एक्चुअल में जो प्रोसेस है यहाँ पे स्पीड है वो थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता है, सेकेंड टाइम से यहाँ पे आपको स्पीड में थोड़ा डिक्रीज़ देखने को मिल सकता है अगर उसने उसका कैशे यहाँ पे बना लिया है। तो जितनी ये सारी लोकेशन है जब तक यहाँ पर US से कोई विजिट नहीं करेगा मेरी वेबसाइट के ऊपर तब तक यहाँ पे US का कैशे नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ पर आपकी ट्रैफिक कम है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पर इसका एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पे स्पीड आपकी शायद से थोड़ी स्लो भी हो सकती है क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पर आ जाएगी, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर वर्कलोड आ जाएगा कि बार बार लो बार बार उसका कैशे बनाओ। एंड कंसिडरिंग कि हम लोग यहाँ पे खूब सारे अपडेट्स भी करते रहते हैं, मान लो आपने कोई एक प्लगइन या वहाँ पर अपडेट कर दिया आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो फिर वो पूरा जो कैशे जनरेशन का जो प्रोसेस है वो फिर से पूरा स्टार्ट होगा, और क्योंकि आपके पास इतने विजिटर्स ही नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा विजिटर्स को उसका फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। विजिटर्स को कब फायदा मिलेगा, जब आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हो तभी एक्चुअल में वो कैशे यहाँ पे काम करेगा, तभी वो सेकंड विजिट से यहाँ पे काम करेगा। सो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास विजिटर्स कम है, सेकंड यहाँ पर हम लोग कैशे बार बार क्लीन करते रहते हैं, कोई भी आपने अपडेट कर लिया, कोई भी डिज़ाइन में चेंज कर लिया, कुछ भी यहाँ पे डेटा आपने नया डाल दिया, और बिगनिंग फेज पे तो ये हम लोग डेफिनेटली करते ही रहते हैं, तो उस टाइम पर यहाँ पर आपको क्लाउडफ्लेयर CDN का कोई ज़्यादा मेजर एडवांटेज नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर आपको शायद से स्पीड थोड़ी कम ही देखने को मिलेगी। एंड इन माई एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर काम किया है, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स को देखा है, 95% ऑफ द केसेज में आपको क्लाउडफ्लेयर CDN की स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी।
तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है। जहाँ से भी आपकी मेन ट्रैफिक आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी मेन ट्रैफिक आ रही है इंडिया से, तो मैं यहाँ पर एक ऐसी वेब होस्टिंग सिलेक्ट करूँगा जिसका सर्वर इंडिया में हो, या एटलीस्ट सिंगापुर पे हो, या फिर एटलीस्ट एशिया में हो, ताकि उनको यहाँ पर CDN की ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं हो। तो स्टार्टिंग में आपको सर्वर वहाँ से लेना है जहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा यूज़र्स आने वाले हैं, जो हमारे टारगेट ऑडियंस हो, वहाँ से आप लोग सर्वर ले लो। एंड सेकेंड, क्लाउड फ्लेयर का यूज़ हम लोग करेंगे। क्लाउड फ्लेयर हमें डेफिनेटली यूज़ करना है, लेकिन स्टार्टिंग में उसका CDN नहीं यूज़ करना है, आपको सिर्फ उसका DNS यूज़ करना है। आप लोग उसकी DNS सर्विस यूज़ करो। उसके लिए अगेन, जो मैंने क्लाउड फ्लेयर वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ DNS को कैसे यूज़ करना है। DNS के आपको अच्छे फायदे मिलेंगे, आपको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, आपको DNS आपका क्विकली रिजॉल्व भी हो जाएगा, तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे। CDN, क्लाउड फ्लेयर CDN का हम लोग स्टार्टिंग में नहीं यूज़ करेंगे। एंड ज़रूरी नहीं है कि सारे CDN ही बेकार होते हैं स्टार्टिंग के लिए, लेकिन जिस तरीके से क्लाउड फ्लेयर CDN काम करता है, वो आपको ज़्यादा कुछ मेजर बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करेगा। हम लोग उसको बाद में एक्टिवेट कर लेंगे, जैसे ही आपके 10,000 के ऊपर विजिटर्स चले जाएँ, आप लोग उसके बाद ही क्लाउड फ्लेयर CDN का यूज़ करो। उसके पहले आप लोग बैंडविथ अगर आप बचा भी लोगे, तो भी आपको यहाँ पे कोई मेजर फायदा नहीं होगा, क्योंकि वेब होस्टिंग यहाँ पे इतनी बैंडविथ तो आपको प्रोवाइड कराती है कि आपके मंथली 10-20 हज़ार विजिटर्स वो आसानी से ले लेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर आपको बैंडविथ सेव करने के भी फायदे होंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन में 95% ऑफ द केसेस में क्लाउड फ्लेयर CDN की स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, और यही सारी गलती बहुत सारे बिगनर्स भी करते हैं, एंड कभी कभार इसकी वजह से उनका जो पेज लोड स्पीड स्कोर रहता है वो भी थोड़ा यहाँ पे स्लो हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।